गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर मीन्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है, पैरासाइटिक एडेप्टेशंस। ठीक है, अब इसमें प्लेटल मीन्स के पैरासाइटिक एडेप्टेशन आते हैं और एस्कल मीन्स दोनों के। तो हम पहले कौन से फाइलम पढ़ रहे थे? प्लेटल मीन्स। ठीक है, तो प्लेटल मीन्स का जो पैरासाइटिक एडेप्टेशन है उसका मैंने पूरा नोट्स बनाया है। ठीक है, मैं आप लोगों को समझाऊंगी, आप लोग ये लिखिए भी। ठीक है, तो जो प्लेटी हेलमिंस का जो पैरासाइटिक एडेप्टेशन है, मैंने बताया था कि प्लेटी हेलमिंस में तीन क्लासेस होता है। ठीक है, थ्री क्लासेस होता है, टर्बेलेरिया, ट्रिमाटोडा एंड सिस्टोडा, एक्सेप्ट टर्बेलेरिया। टर्बेलेरिया के बगैर जो ट्रिमाटोड और सिस्टोड्स होता है वो पेरेसाइट होता है। टर्बेलेरिया ही फ्री लिविंग होता है, बाकी ट्रिमाटोड्स और सिस्टोड जो दो क्लास है वो उनके स्पीशीज क्या होता है? पेरेसाइट होता है। तो पेरेसाइट रहने के लिए, ठीक है, पेरेसाइट मोड ऑफ लाइफ जीने के लिए उनके बॉडी के ऊपर, ठीक है, उन ऑर्गेनिज्म उन स्पीशीज के बॉडी के ऊपर, ठीक है, ट्रिमाटोड्स और सिस्टोड्स के बॉडी के ऊपर कुछ ऐसे मतलब स्ट्रक्चर्स आते हैं या कुछ मतलब उसके एनवायरनमेंट में एडेप्ट होने के लिए कुछ चेंजेस आता है। ठीक है, उन चेंजेस को, उन एडेप्ट मतलब एडेप्टेशन को हम पैरासाइटिक एडेप्टेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला पैरासाइटिक एडेप्टेशन क्या है? देखो, आउटर ट्यूमेंट इज थिक परमेबल टू वाटर बट एंजाइम रेजिस्टेंट सो दैट पैरासाइट इज नॉट डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूस ऑफ होस्ट। ठीक है, मैंने क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर्स दोनों में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा था कि जो पेरेसाइट होता है, ठीक है, चाहे एक्टोपेरेसाइट हो चाहे इंडोपेरेसाइट हो, ठीक है, तो वो उनका जो बॉडी का जो एपिडर्मिस होता है, बॉडी का एपिडर्मिस होता है, जैसे कि हमने टर्बेलेरियंस में पढ़ा, बॉडी का एपिडर्मिस सिलिएटेड या सेलुलर या सेंशल होता है, सेल से बना होता है। लेकिन पेरेसाइट जो ट्रिमाटोड्स और सिस्टोड्स है उनमें बॉडी कवरिंग जो होता है, क्लासिफिकेशन में आप लोग देख लीजिए। ठीक है, जब क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे तो हमने उसमें भी समझाया था। तो ट्रिमाटोड्स और सिस्टोड जो पेरेसाइट्स होता है प्लेटेल मीन्स, उनके बॉडी कवरिंग होता है, कवर किया होता है एपिडर्मिस से नहीं, बल्कि एपिडर्मिस जो बना होता है सेल सेल से नहीं बना होता है, बल्कि किस से बना होता है? एक हार्ड सब्सटेंस से, हार्ड कवरिंग से कवर किया होता है। ठीक है, जो स्किन है उनका बॉडी लेयर जो है, ठीक है, वो एक हार्ड कवरिंग से कवर किया होता है, एक हार्ड लेयर से कवर किया होता है, जिसको ट्रिग्यूमेंट या क्यूटिकल भी कहा जाता है। ट्रिग्यूमेंट भी कहा जाता है, क्यूटिकल जो कि बहुत थिक होता है, और लेकिन वो जो क्यूटिकल है या ट्रिग्यूमेंट है, बॉडी लेयर है, वो इट इज परमिएबल टू वाटर। ये पानी को तो परमिएबिलिटी दिखाता है, ठीक है, पानी अंदर जा सकता है बाहर आ सकता है, लेकिन ये एंजाइम रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, चूंकि पेरेसाइट होस्ट के बॉडी के अंदर रह रहा है तो पेरेसाइट को ये खतरा रहता है, अगर उनके बॉडी से उनका बॉडी लेयर सेलुलर होता तो वो होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम उसको क्या करते, मतलब डिग्रेड करते, ठीक है, उसको लाइस करते, लाइसिस करते। लेकिन हार्ट कवरिंग होने की वजह से, हार्ट ट्रीटमेंट होने की वजह से क्या होता है, वो प्रेवेंट होता है। ठीक है, तो मतलब नेचर ने उनका एक, ये एक पैरासाइटिक एडेप्टेशन है, नेचर ने उनके बॉडी जो कवर किया होता है वो एक हार्ट ट्रिग्यूमेंट या क्यूटिकल हार्ड सब्सटेंस से कवर होता है, ताकि होस्ट के बॉडी के अंदर जब रह रहा है तो होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम उसको कोई असर ना करे, कुछ इफेक्ट ना हो सके, एक्ट ना कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो पैरासाइटिक एडेप्टेशन है प्लेटेल मीन्स में, लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय एडल्ट। चूंकि मैंने कहा था कि जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो प्रेजेंट होता है वो सिर्फ फ्री लिविंग में प्रेजेंट होता है, पेरेसाइट्स में, ठीक है, पेरेसाइट्स में एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि फ्री लिविंग में क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि उनको इधर मतलब अकेले रहते हैं तो इन सर्च ऑफ फूड, फूड सर्च करने के लिए इधर उधर उनको लोकोमोटरी ऑर्गन जाने के लिए, इधर उधर जाने के लिए लोकोमोटरी ऑर्गेनलीस या लोकोमोटरी ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन पेरेसाइट ऑलरेडी किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर है, होस्ट के बॉडी के अंदर है, तो उसको ऑलरेडी सब कुछ मिल जाता है, होस्ट से बना बना हुआ रेडीमेड फूड मिल जाता है, सब कुछ होस्ट से वो ले लेता है, तो उसको लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है इधर उधर जाने के लिए। ठीक है, तो इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज क्या एब्सेंट, क्या होता है? एब्सेंट होता है। सेकेंड, थर्ड जो है, देखो,
अब ये फिशुला एपिटिकर के बारे में बात कर रहे हैं। पहले पहले ओरल सकर स्टेबुलम एंड स्पाइन्स ऑफ बॉडी वॉल ऑफ एडल्ट वर्म सर्व एज ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट इन द होस्ट बॉडी इन फिशुला हेपेटिका। ठीक है, फिशुला हेपेटिका। अब हमने ये बोला था कि जो ट्रिमाटोड और सिस्टोरा हम पढ़ रहे थे, तो उसमें पेरिसाइट्स को, ठीक है, जो पेरिसाइट्स होता है, ट्रिमाटोड्स और सिस्टोड्स जो होता है, ठीक है, पेरिसाइटिक जो प्लेटल मीन्स होता है, उनको होस्ट के बॉडी से अटैच रहने के लिए, होस्ट के साथ रहता है, एसोसिएशन में रहता है, इसलिए पेरिसाइट है। ठीक है, होस्ट, लेकिन होस्ट से अटैच रहने के लिए, होस्ट के बॉडी के अंदर रहने के लिए उनको, उन मतलब होस्ट के बॉडी के अंदर रहने के लिए उनके बॉडी पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होता है जिससे वो होस्ट के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, वो स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, फेशियोला हेपेटिका में होता है सकर्स एस्टेबलम एंड स्पाइन्स। ठीक है, इसके थ्रू, इस सकर के थ्रू, ठीक है, वो होस्ट से अटैच रहता है। एंड इन टीनिया सोलम स्कोलेक्स विद सकर एंड स्पाइन ट्रांसफर ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट। और टीनिया सोलम भी क्या है, एक पेरिसाइट है, क्लास सिस्टोडर के ही एक स्पीशीज है, एनिमल है, वो भी पेरिसाइट है, वो हमारे बॉडी के अंदर रहता है। टीनिया सोलम हमारे बॉडी के अंदर रहता है, हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। हमारे इंटेस्टाइन में रहने के लिए उसको मतलब क्या ज़रूरत पड़ती है, इंटेस्टाइन से अटैच रहने के लिए कुछ स्ट्रक्चर, उसके बॉडी पे स्ट्रक्चर्स होता है, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ सकर्स, हुक्स होता है, स्कोलेक्स, तो उसके जो हेड पार्ट पे क्या होता है, सकर्स और हुक्स प्रेजेंट होता है। तो ये भी एक पेरेसाइटिक एडेप्टेशन है। नेक्स्ट है पेरेसाइट्स में, पेरेसाइटिक एडेप्टेशन में सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी एंड सेंसरी ऑर्गन एब्सेंट इज दे आर नॉट नीडेड। ठीक है, अब मैंने जब हम सेंस ऑर्गन पढ़ रहे थे, सेंसरी ऑर्गन्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने कहा था कि जो फ्री लिविंग है, ठीक है, उनको सेंस ऑर्गन उनमें प्रेजेंट होता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ टेंगो रिसेप्टर एंड क्यूमो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, लेकिन पेरिसाइट में सेंस ऑर्गन एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि वही सेम वही है, पर ये पेरिसाइटिक एडप्टेशन है। देखो, क्योंकि सेंस ऑर्गन फ्री लिविंग में इसलिए प्रेजेंट होना ज़रूरी है ताकि फ्री लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स है वो फूड की तलाश में जाता है, उधर उधर इधर उधर जाता है, तो उसको सेंस करने की ज़रूरत पड़ती है कि ये फूड है कि नहीं। तो उनमें प्रेजेंट होना ज़रूरी है फ्री लिविंग में, क्योंकि वो अकेला रहता है। लेकिन जो पेरेसाइट्स है, ठीक है, पेरेसाइट्स से वो किसी के साथ रहता है, तो वो सारा फूड जो है या कुछ मतलब जो भी उसको चाहिए वो सारा होस्ट से ले लेता है, जिस ऑर्गेनिज्म के साथ रह रहा है उससे ले लेता है, तो उसको कोई सेंसिंग करने का कुछ मतलब नहीं रहता। ठीक है, इसलिए उनमें ये सब क्या होता है, एब्सेंट होता है, पेरेसाइटिक एडेप्टेशन है ये। ठीक है, इनमें जो पेरेसाइट ऑर्गेनिज्म्स है इनमें ये सब एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इज एन एरोबिक एज फ्री ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। जो पेरिसाइट हुआ बॉडी के अंदर रह रहा है, ठीक है, तो मतलब उनको ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहता है, होता है, ठीक है, इसलिए रेस्पिरेशन करता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेजिस्टेंट एक्सल एनॉन जाइगोट प्रोवाइड फर्दर सेफ्टी फ्रॉम अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। जब हम पेरिसाइट्स के, ठीक है, जैसे कि टीनिया सोलम हो गया या टीनिया सेजिनेटा या फेशोला एपिटिका, किसी भी पेरिसाइट के अगर हम जब उसके लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है, लाइफ हिस्ट्री देखेंगे, तो जब उनमें फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बन जाता है, ठीक है, मान लो जायगोट बन गया, जायगोट के ऊपर, इनके जायगोट के ऊपर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करने के बाद इस पेरिसाइट्स का जो अडल्ट पेरिसाइट जब फर्टिलाइजेशन करता है तो जायगोट बन जाता है। ठीक है, जायगोट के ऊपर ऊपर एक हार्ड कवरिंग होता है, ठीक है, क्या होता है, हार्ड कवरिंग होता है इन द फॉर्म ऑफ शेल, जिसको क्या कहते हैं, शेल, एक हार्ड शेल होता है जो कि जायगोट को, ठीक है, उस जायगोट को क्या करता है, इन्वायरमेंटल अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है। तो ये भी एक क्या है, मतलब पेरासाइटिक एडेप्टेशन है। लास्ट है हर्मोफ्रोडाइजम, हर्मोफ्रोडाइटिज्म इंश्योर सेल्फ फर्टिलाइजेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ अनदर कंपेनियन फॉर कॉपुलेशन, इट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। वेरी गुड। ठीक है, अब देखो जो हर्मोफ्रोडाइट जो होता है, ठीक है, या जिसे हम मोनोशियस कहते हैं, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था, मोनोशियस, हर्मोफ्रोडाइट या बायसेक्सुअल भी कह सकते हैं, ठीक है, तो
हर्मोफ्रोडाइट मीन्स एक ही इंडिविजुअल, मान लो ये एक इंडिविजुअल है, इसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर मेल ऑर्गन भी होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा। हम जो है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स क्या है, हम डाइशियस है, क्योंकि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग किसी ऑर्गेनिज्म में होता है, मेल के ऊपर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल के ऊपर होता है। लेकिन अगर इंडिविजुअल पे, एक ही सिंगल इंडिविजुअल पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों प्रेजेंट है, उनको क्या कहते हैं, हर्मोफ्रोडाइट, हर्मोफ्रोडाइट कंडीशन या मोनोशियस कंडीशन या बाइसेक्सुअल कंडीशन कहते हैं। ठीक है, हर्मोफ्रोडाइज्म जो प्लेटी हेलमिंस में हर्मोफ्रोडाइट होता है, ये मोनोशियस होता है, एक ही इंडिविजुअल पे, मान लो ये टीनिया सोलम है, ठीक है, ये एक कीड़ा है टीनिया सोलम, इसी टीनिया सोलम के ऊपर मेल भी होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा। ठीक है, तो जब उसको अगर मान लो अगर यहाँ पे सिर्फ मेल ही होता, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही प्रेजेंट होते, तो उसको फीमेल, अगर फीमेल नहीं मिलता है, कंपेनी नहीं मिलता है कॉपुलेशन के लिए, उसको कॉपुलेशन करना है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करना है, तो कंपेनी नहीं मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता है तो क्या होता है, उसका मतलब जो सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज का चांसेस बहुत कम रहता है, ठीक है, तो अपने प्रोजेनी को आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन हर्मोफ्रोडाइटिज्म के होने की वजह से, मोनोशियस होने की वजह से, एक ही इंडिविजुअल पे दोनों सेक्स प्रेजेंट होने की वजह से, अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं हो तो भी वो अपने ही सेक्स के मतलब मेल और फीमेल से क्या करेगा, कॉपुलेट करेगा, जो कि नेसेसरी होता है फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। ठीक है, तो ये कुछ पैरासाइटिक एडेप्टेशन है प्लेटी हेलमिंट्स के। फिर हमारा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फाइलम एस हेलमिन, जो हमारा नेक्स्ट फाइलम है। हेलमिंस में प्लेटी हेलमिंस भी आता है और एस हेलमिंस में आता है। ठीक है, तो ये हमारा है पैरासाइटिक एडेप्टेशन ऑफ प्लेटी हेलमिंस। ओके, थैंक यू वेरी मच।